तो लग रहा है कि 10,000 खर्चा करना ही पड़ेगा। तो अपन अपने पुराने अड्डे में आ गए हैं, कॉफी पॉइंट। तो काफी दिनों बाद मैं अपना बाइक निकाला हूँ, और नई भी तो 2 महीने के बाद निंजा राइड कर रहा हूँ। तो वेलकम टू विनायक दास ब्लॉग्स। कैसे हो आप लोग सब? बहुत दिन बाद मिल रहे हैं अपन। तो अभी शाम के बज रहा है 5:23। तो कुछ देखते हैं, निकाला हूँ गाड़ी और आपसे भी बात करना था। बहुत दिन से ब्लॉग बनाया नहीं, जब से मैं तिरुपति से आया हूँ। उसके बाद जैसे कि आप पिछले ब्लॉग में देखे होंगे, मेरे को काफ़ी बिजी चल रहा शेड्यूल। हाँ, तो मैं आपसे ये बात कर रहा था कि अपन बहुत दिन बाद मिले हैं ब्लॉग के थ्रू, और जो भाई लोग नए जुड़े हैं वो सोच रहे होंगे विनायक भाई काफ़ी लेट ब्लॉग्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, अभी मार्च का प्रेशर ज़्यादा है तो थोड़ा सा काम कर लिया जाए। बाकी आप लोग से बिल्कुल मैं कंटिन्यू रहूँगा और कोशिश करूँगा कि लोकल्स में ही जितना हो सके आपसे कंटिन्यू रहूँ, क्योंकि मार्च तक अभी कोई आउटसाइड ब्लॉग्स तो नहीं आ पाएगा क्योंकि बाहर नहीं जा पाऊँगा। और 1.5-2 महीने बाद गाड़ी निकाला हूँ, तब से घर से अभी तक का 3 किलोमीटर चला है गाड़ी। 3 किलोमीटर में कम से कम 10 बार बंद हो चुकी है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। देखते हैं, रायपुर में एक गगन भैया का शॉप है बिग मशीन करके, अगर आज खुला होगा तो वहाँ एक बार चेकअप करवाता हूँ। तो ये अपना जेल रोड है और चलते हैं सीधा बिग मशीन में मिलते हैं। बिग मशीन का शोरूम बंद है, अपन चलते हैं फिर कभी दिखाएंगे, आज ऐसे ही एडजस्ट कर लेते हैं। अपन अभी नया रायपुर एंटर कर चुके हैं और चलते हैं खाली रोड पे। थोड़ा सा बहुत दिन हो गया गाड़ी को चलाए नहीं है, तो गाड़ी को चलाएंगे भी मन भर कर। अभी एक क्रॉसिंग में खड़ा था तो कैमरा बंद था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। एक दिन बोलते हैं कि भगाओ भैया भगाओ, कितना भगा सकते हो करके। तो अरे भैया, भगाने को तो ये 270-280 भी जाता है, लेकिन जितना बड़ा मशीन उतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। कंट्रोल जितना कर सकते हो उतना भगाओ, अपन तो इसी में बिलीव करते हैं। किसी के बोलने से, कोई सामने से स्पीड से निकल गया उसके चक्कर में स्पीड को कंट्रोल से बाहर नहीं करते। बाकी एंजॉय करने के लिए बिल्कुल कंट्रोल में रह कर मैं इसको 206-207 भी ले गया। देखो आप, ड्रोन का मज़ा भी ले लिया जाए। ड्रोन को चेक करना भी ज़रूरी है क्योंकि रिपेयर होने के बाद, तिरुपति से आने के बाद ज़्यादा फ्लाई नहीं किया है। तो इसके बाद जो आप शॉट देखोगे, आप ड्रोन शॉट देखोगे, तो चलिए ड्रोन शॉट का मज़ा लेते हैं।
तो अपना ड्रोन ऑटोमेटिक लैंड कर गया क्योंकि ये फ्लाई जोन नहीं है, तो ड्रोन ऑटोमेटिक लैंड कर गया। तो कुछ इस प्रकार से दिख रही है अपनी गाड़ी। बहुत भाई लोग बोल रहे थे कि निंजा राइड नहीं कर रहे भैया, बहुत दिन से निंजा नहीं देख पा रहे। तो सिर्फ जो भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि निंजा राइड पे नहीं आ रहे भैया, तो ये आप लोगों के लिए था राइड, छोटा सा राइड था। हो सकता 5-6 मिनट का ब्लॉग बने, तो काफ़ी लंबा ब्लॉग नहीं बनेगा क्योंकि अभी अंधेरा होने वाला, जैसे कि आप पीछे देख रहे हो सूर्यास्त होने वाला है। सूर्यास्त से हमारी कहानी जुड़ा ही हुआ है। तो सिनेमेटिक शॉट दिखाता हूँ आपको, सिनेमेटिक शॉट एंजॉय कीजिए। तो तिरुपति जाने से पहले गाड़ी में एक छोटा सा नुकसान हो गया था, और गाड़ी मेरे से घर पे गिर गई थी स्टैंड लगे लगे। तो क्या नुकसान हुआ था ये आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हो लाल कलर का, इसमें कवर लगा होता है और ये कवर निकल गया यहाँ से, ये कवर, और यहाँ पर इंजन गार्ड होता है, वो इंजन गार्ड। दूसरी तरफ दिखाता हूँ आपको, इस प्रकार का इंजन गार्ड होता है, वहाँ भी था। तो ये निकल गया है, ये तो पेस्ट हो जाएगा, लेकिन इसका जो कीमत है ये 10,000 रुपये का है, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है, नागपुर से मंगाना पड़ेगा। जी नया का कीमत 13 लाख रुपए कुछ है, ये आ जाती है सर 8-9 तक आ जाती है। निंजा का शोरूम तो यहाँ 3-4 साल पहले था। हाँ ये आपको नागपुर से मिल जाएगा। हाँ 650 cc, अच्छा 650, इसमें बहुत पावर है, बहुत यूट्यूब। अच्छा अच्छा यहाँ पर ओके सर, वीआईपी रोड पे मेरा ऑफिस है, वहाँ का मैं इंचार्ज। नाइस टू मीट यू सर, विनायक दास। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बैठ के भी देख सकते हैं। नहीं नहीं बस तस्वीर लूंगा, मेरा बेटे को भी शौक है। हाँ हाँ यहाँ रहता है सर, यहीं पर आसपास। मैं तो वहीं पे रहता हूँ, मैं ऑफिस कम रेजिडेंस वहीं है। अच्छा तो यहाँ पर राइट पे ऐसे ही सैटरडे संडे है ना। थैंक यू भाई। ओके सर, एनी टाइम कोई जरूरत है। बिल्कुल सर। ये मेरा नाम आरएम खान है। आरएम खान। हाँ। तो ये हमारे खान सर थे जो कि सीबीआई के इंचार्ज है, जिनका ऑफिस वीआईपी रोड पे है। ये भी बाइक के शौकीन है, तो बाइक देख के रुक गए थे। अच्छा लगता है ऐसे सीनियर्स जो मिलते हैं रास्ते में, वो भी बाइक, आज वीकेंड है तो वीकेंड पे एंजॉय कर रहे हैं। गुड। अपने पुराने अड्डे में आ गए हैं, कॉफ़ी पॉइंट जो नया रायपुर में है। एक कॉफ़ी पीते फिर चलते मरीन ड्राइव, हो सकता है चिंतामणि भैया से मिलना हो, आने के बाद मिलना नहीं हुआ है। तो कॉफ़ी पॉइंट से निकलने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं तेली बांधा, नहीं
अवंती विहार से जा रहे थे नहीं बंदा चिंतामणि विहार से फ़ोन में बात हुआ वो भी पहुंच रहे तो बस कम से कम 20 बार बंद हुआ होगा और अभी स्मूथ चल रहा है। तो ये होता है, क्या होता है जब गाड़ी ठंडा रहता है तो इंजन ऑयल पूरा नीचे बैठे रहता है। बैठे आधे घंटे से और चिंता मुझे भैया का कोई अता पता नहीं है, देखते कब तक आ रहे। तो सॉरी अपन कल के बाद आज मिल रहे हैं। कल मरीन ड्राइव में जब पहुंचा मैं तो गोपरों का बैटरी डाउन हो गया था इसलिए अपन नहीं मिल पाए चिंतामणि भैया से। और चिंतामणि भैया भी एक घंटा लेट आया तो मेरे को काम से निकलना पड़ा। तो अपन नेक्स्ट ब्लॉक पे कभी मिलेंगे चिंतामणि भैया से। तो यहाँ पर वीडियो क्लोज करते हैं। और मेरे गाड़ी का जो पीछे का टेल लाइट टूटा था उसको मैं चिपकाने की कोशिश किया लेकिन वो ठीक से फिक्स नहीं हो पाया, वो ख़रीदना ही पड़ेगा मेरे को, वो लॉस हो गया। तो आप जाके देखो, उसको देख के बताना जो सुबह एक ट्राई किया था फिक्स करने का, देख के आइए फिर अपन वीडियो क्लोज करते हैं। तो हम लोग का जो निंजा का ये जो टेल लाइट का कवर है यही टूट गया है और ये यहाँ पर फिक्स रहता है। तो इसी का कीमत जो है 10,000 का है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको फिक्स किया जाए, 10,000 को सेव किया जाए। तो देखते हैं फिक्स होता कि नहीं। तो लग रहा है कि 10,000 खर्चा करना ही पड़ेगा, ये फिक्स नहीं हो रहा है और फिक्स होने से भी शायद रास्ते में गिर जाएगा, देखते हैं। आपका वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बहुत दिन बाद वीडियो बनाई और कोशिश रहेगा कि कंटिन्यू सफ़र जो है वीडियो का बनता रहे क्योंकि टाइम शॉर्ट हो जाता है वीडियो बनाने के लिए, क्या माइंड फ्री चाहिए। और मेरा ऐसा है नहीं कि मैं डेली ब्लॉग्स बनाऊं, तो जैसे भी सफ़र रहेगा मैं आपसे कंटिन्यू रहूँगा। यहाँ तक का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।